ठीक है दोस्तों, तो जो है काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है इसने अभी तक तो। ओके दोस्तों, वेलकम माई यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, ऐसे कि मैं दिखाता हूँ आप लोग को, ये 12012 का ट्रांसफार्मर है जैसे कि, ठीक है हमारे पास। अब देखिए, 12012 ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल बैटरी चार्जिंग के लिए अगर हम करते हैं तो हमें इस तरीके से जो इसके फर्स्ट और थर्ड पिन होती है, तीन पिन होती हैं, तो फर्स्ट और थर्ड में इस तरीके से कनेक्ट करके पॉजिटिव मिल जाएगा और बीच वाली जीरो पिन से नेगेटिव मिल जाएगा। तो हम इस तरीके से सेंटर टेप बना के बैटरी चार्ज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोग को एक छोटा सा दिखा भी देता हूँ। देखिए तो देखिए, थ्री पिन है तो बीच वाले में से नेगेटिव यानी ग्राउंड बन जाएगा और इन दोनों पहली और थर्ड में इस तरीके से डायोड लगा करके ये देखिए और पॉजिटिव मिल जाएगा, तो ये बैटरी चार्जर बन जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए है आपके पास जो ट्रांसफार्मर वो 12012, ठीक है, तो ये आपको 24 वोल्ट यानी 30 वोल्ट का आउटपुट भी दे सकता है। तो हम उस चीज़ को क्यों ना उस चीज़ का भी फ़ायदा इसी के साथ साथ ले लें तो कितना बढ़िया है। तो हमें सिर्फ इतना करना है कि अब हमें दो डायोड ना लगा करके ब्रिज लगाना है, ठीक है। तो देखिए हमने कैसे करा है, इसके कनेक्शन बहुत ईजी हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, इसकी जो टेपिंग है वो ये है 12 और ये 0 और ये 12, ठीक है, 12 0 12 इस तरीके से है। तो 0 वाली को तो आप नेगेटिव बना के निकाल दीजिए, ये रहा, ठीक है, एक ब्लैक यानी नेगेटिव बना दिया है मैंने, निकाल दिया। उसके बाद जो आपके पास जो बचते हैं फर्स्ट और थर्ड लेग, ठीक है, जिनमें 24 वोल्ट या 30 वोल्ट की एसी बनेगी, उन दोनों को आपको इस तरीके से डायोड में कनेक्ट करना है। देख लीजिए, देखिए इस समय सारी डायरेक्शन इस तरफ शो हो रही है डायोड की, इस तरफ लेफ्ट की तरफ इस तरीके से। तो हमें क्या करना है, ये देखिए जो 24 वोल्ट की लाइन आ रही है या 30 वोल्ट कह सकते हैं हम, हमें इस तरीके से यहाँ कनेक्ट करना है जैसे ब्रिज में कनेक्ट करते हैं हम, ठीक है, कनेक्ट कर दिया। उसके बाद अगर हम इस नेगेटिव 0 वाले के साथ यहाँ से पॉजिटिव उठाते हैं तो हमें लगभग 14 वोल्ट मिलेंगे, ठीक है, 14 वोल्ट मिलेंगे, ठीक है। और अगर हम इस पॉजिटिव के साथ ही ये वाला ग्राउंड लेते हैं, ठीक है, जो इसके पीछे आ रहा है ब्रिज से बन के, तो हमें यहाँ पर मिलेंगे जो है डबल, यानी कि 24 वोल्ट 25 वोल्ट 26 वोल्ट इस तरीके से कुछ मिलेंगे। तो समझ सकते हैं आप, इस पॉजिटिव के साथ अगर आप 0 का नेगेटिव लेंगे तो 14-15 वोल्ट मिल जाएंगे, जिससे बैटरी चार्ज कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। और अगर इस पॉजिटिव के साथ अगर हम यहाँ से उठाते हैं नेगेटिव ग्राउंड, फिर इसको यहाँ से लेते हैं तो हमें 24-25-26 वोल्ट मिलेंगे, यानी कि उसका डबल। तो इस तरीके से केवल बैटरी चार्जर ना बना करके आप एक सप्लाई बना लीजिए ब्रिज लगा करके, जिससे आप बैटरी तो चार्ज कर ही सकते हैं। और कभी कभी आप लोग को मान लीजिए 24 वोल्ट 25 वोल्ट जो है ड्रिल मशीन को चलाने के लिए या कोई हैवी इक्विपमेंट चलाने के लिए, या 775 मोटर आपके पास है जो कि 24 वोल्ट तक 30 वोल्ट तक भी चल जाती है, तो आप उससे उसको चलाने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने तरीका बताया कि केवल आप, और इससे भी आपकी जो बन के आएगी आउटपुट वो फुल वेव डीसी बनेगी, फुल इलेक्ट्रीफाइड डीसी बनेगी। कैपेसिटर हम इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि बैटरी चार्जिंग में कैपेसिटर का कोई मतलब नहीं है, बैटरी अपने आप में एक बहुत बड़ी और लार्ज कैपेसिटर होती है। और इस तरीके से ये है, तो बस आप लोग क्या करना है, अभी जब तक आप दो डायोड यूज़ कर रहे थे तो दो की जगह आपको दो और लगाने हैं साथ में, ब्रिज बना के लगाएंगे तो बैटरी चार्जर का काम भी करेगा और 24 वोल्ट 25 वोल्ट की सप्लाई का काम भी करेगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से वीडियो आई होगी कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, लेकिन मैं आप लोग को इससे एक बार चला करके तो दिखाना भूल ही गया, तो दोस्तों मोटर चला करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को इससे, ठीक है। तो ये मोटर दोस्तों दिखा रहा हूँ, देखिए मोटर चला करके सप्लाई कनेक्ट कर दी है, एक बार वोल्टेज दिखा देता हूँ जिससे आप लोग को कोई डाउट ना हो कि मैं गलत बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए डीसी पर कर दिया हमने 200 पर, और ये है कॉमन वाला मतलब पॉजिटिव का, ठीक है, इस पर पॉजिटिव का लगा दिया। तो अब हमें सिर्फ ग्राउंड चेंज करना है। तो सबसे पहले देखिए मैंने दोनों ग्राउंड को कैसे क्लियर करा है, एक पर मैंने लगाए हैं दो नेगेटिव दो बार स्लीव, ठीक है, टू टाइम्स, एक पर सिंगल टाइम्स, तो मतलब यहाँ इस वाले ग्राउंड से जो मिलेगा 12 वोल्ट वाली मिलेगी सप्लाई, इससे 24 वोल्ट वाली। तो देखिए 12 वोल्ट वाली भी लगाता हूँ सबसे पहले, देखिए 14.2 वोल्ट मिल गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैं लगाता हूँ 24 वोल्ट वाली लाइन पे, यहाँ से मैंने लगाया 24 वोल्ट वाली लाइन पे, ठीक है, कनेक्ट किया, अब कितने मिल गए, डबल मिल गए लगभग इससे, ठीक है, 28 वोल्ट इस तरीके से है। अब मोटर चला के दिखाता हूँ आप लोगों को, तो मोटर के लिए जो इसका पॉजिटिव कॉमन है ये तो मैंने लगा ही लिया,
उसके बाद देखिए सबसे पहले 12 वोल्ट वाले से दिखाता हूँ, ये देखिए ये 24 से हो गया। चलिए पहले 12 से दिखाता हूँ, ठीक है, ये देखिए 12 से, ठीक है, अभी इस पर कोई लोड नहीं है इसलिए ऐसा दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। उसके बाद 24 लगाते हैं, देखिए ठीक है, स्पार्किंग दिखाने की कोशिश अगर मैं करूं आप लोग को, देखिए स्पार्किंग दिखाता हूं, ठीक है, तो ये भी है, देखिए ठीक है दोस्तों, तो जो है काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है इसने अभी तक, तो